अध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम कम होता है? तो एक बहुत बड़े पैमाने में सब्सिडी थी जो केंद्र सरकार देती थी। वो सब्सिडी कैसे आती थी? लोगों पे टैक्स लगाकर आती थी, और उसकी पूर्ति करने के लिए, अपना फिस्कल डेफिसिट बनाने के लिए आपको साल के अंत में विकास कार्यों में जितना पैसा लगता था वो काटना पड़ता था। फिस्कल डेफिसिट्स वर बीइंग अचीव्ड इवन बाय कटिंग अमाउंट्स लाइक सच एज 1,20,000 करोड़ इन वन गिवन ईयर। इट्स अ हार्श रियलिटी। नाउ टुडे व्हाट हैज हैपेंड, द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड हैज फॉलन। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज अ क्लियर पॉलिसी, एंड लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर that advantage by the present government has been shared in three ways. In fact, it will eventually get shared more than three ways. One part of the fall in prices goes to the consumer. So 20 times the price of petrol has been reduced, 16 times the price of diesel has been reduced. Ek minute. आपको परसेंटेज जब आप सबने कैलकुलेट किया, और खास तौर से जब शरद जी बोल रहे थे या मेरे बंगाल के साथी बोल रहे थे, केंद्र ने जब कम किया तो आपकी राज्य सरकारों ने उसी दिन उसको अपने वैट में कंज्यूम कर लिया। तो आप लोग भूल गए मेरे पास हर राज्य ने कितना वैट बढ़ाया, ये भी लिस्ट है। बंगाल ने भी बढ़ाया, बिहार ने भी बढ़ाया, असम और मिजोरम को छोड़कर कांग्रेस के हर राज्य ने बढ़ाया, और मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, यानी हर राज्य ने बढ़ाया है। एक मिनट, ऐसा है, प्लीज लिसन टू, मैं किसी राज्य से शिकायत नहीं कर रहा हूं, प्लीज किसी, प्लीज लिसन, अब सुनिए, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं। इंडिया हैज टू टेक द अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ द फॉल इन ऑयल प्राइसेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉल गोज टू द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉल, द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन इट इंपोजेज एक्साइज, आपने बहुत सरलता से डिंडसा साहब कह दिया, और बीजू जनता दल की तरफ से भूपेंद्र जी ने भी कह दिया कि राज्यों को दो, इस एक्साइज का 42% राज्यों को जा रहा है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो एक्साइज सेंटर लगा रहा है 42% राज्यों को जा रहा है। इसके ओवर एंड अबव हर राज्य ने वैट लगाया। अब आप पंजाब का जिक्र करते हो, दिल्ली में एक बार हमने 3 रुपए दाम कम कर दिया, उसी दिन दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब और जम्मू कश्मीर, जो कटौती हमने की उन्होंने वैट लगा दिया। मैं इससे शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार, राज्य सरकारों को भी वो पैसा विकास काम के लिए चाहिए। तो अगर एक हिस्सा इसका कंज्यूमर पे जाता है, दूसरा हिस्सा इसका डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। जो केंद्र ने एक्साइज लगाया 42% राज्यों को गया, राज्यों ने अलग से वैट लगाया, और जो हमने लगाया वो सारा का सारा पैसा हम नेशनल हाईवे और रूरल रोड, ग्रामीण सड़क योजना के अंदर जा रहा है। वन पार्ट ऑफ द फॉल इन ऑयल प्राइसेस एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक एंड फिस्कल प्लानिंग गोज टू द कंज्यूमर। द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवेज एंड रूरल रोड्स, बिकॉज दोज हु कंज्यूम पेट्रोल एंड डीजल ड्राइव व्हीकल्स ऑन दिस रोड एंड दे मस्ट पे फॉर इट। द थर्ड पार्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द स्टेट्स बाय वे ऑफ वैट। ऑफ व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स, 42% is being passed on to the states, and the fourth part, let me tell you, goes to the oil companies, for the reason that when oil companies make international purchases against future purchases, they suffer a huge loss. They buy at $80, by the time they sell the price has become $60. At one stage the loss of the oil companies was as high as 40,000 crores. So the fourth part of it goes to that. As a part of proper fiscal planning, therefore this
Reduction in the oil prices is being shared for developmental activities by the center, by the states, by the oil companies to cover up for their losses of the past. And fourthly, advantage significantly goes to the consumer.